लोकतंत्र के दुश्मन नक्सलियों ने फिर पीठ पर वार किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ मीडिया को भी बनाया निशाना। दांतेवाड़ा में फिर बड़ा नक्सली हमला। दो हमारे शहीद हुए, एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ है और एक हमारे कांस्टेबल शहीद हुआ है। नक्सलियों का पत्रकारों पर हमला। दांतेवाड़ा में कायर नक्सलियों के निशाने पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया भी रहा। दांतेवाड़ा में लोगों का दुख दर्द पहुंचाने में जुटे कई मीडिया कर्मी नक्सली हमले में जख्मी हुए। दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की जान चली गई। उनके ऊपर जो हमला हुआ है उनके उसमें जान गई है, उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं। दांतेवाड़ा में अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की। नीलवाया के जंगलों में छिपे नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल की टीम पर हमला किया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप और कांस्टेबल मंगलू शहीद हो गए। आज दंतेवाड़ा जिला में आरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत समेली से नीलावाई करके एक जगह है, उधर हमारे एक पेट्रोलिंग पार्टी गए थे, उसके ऊपर नक्सली एम्बुश हुआ। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को 18 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ये नक्सली सिर्फ और सिर्फ आतंक और भय फैलाना चाहते हैं। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान से साफ है कि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, वो सिर्फ बंदूक के दम पर गरीब लोगों को भरमाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं, तो लोगों ने भी बम्पर वोटिंग के जरिए नक्सलियों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। दांतेवाड़ा से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।